नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने ब्लॉगिंग का एक नया सीरियस फेज चालू कर रहे हैं और इसमें आपको मिलेंगे ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियो, क्वालिटी वीडियो, और इन क्वालिटी वीडियो में आपके लिए चांस रहेगा पुरस्कार जीतने का। तो आज हम 3 सवाल पूछेंगे अपने वीडियो के दरमियान और जो सही उत्तर देंगे पहले 3 लोग उनको मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार जो हम बाद में बताएंगे क्या देने वाले। और आज का वीडियो जो रहेगा ये रहेगा नमो घाट पे। देखिए पीछे एक छतरी देख रहे हैं आप, जो है ये पूरा हम आपको ऊपर तक दिखाते हैं। ये छतरी है नमो घाट के मार्ग पर, नमो घाट नीचे जा रहा है। देखिए इधर दिखाते हैं आपको, ये रास्ता जा रहा है नमो घाट, इस पर हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे। नमो घाट के बारे में बता दें, ध्यान से सुनिएगा, इस पर सवाल पूछे जाएंगे। नमो घाट करीब 21,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी जो प्रारंभिक लागत थी करीब 34 करोड़ आंकी गई थी, बाद में बढ़ी है। और यहाँ पर जल थल और नभ से कनेक्टिविटी रहेगी और यहाँ बहुत सारे डिग्निटरीज आते हैं, इनमें से एक के बारे में हम अभी आपको बताएंगे और सवाल भी पूछेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही अच्छा चैनल है, ग्रोइंग चैनल है, बड़ा चैनल है, 10,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हैं इसके। शेखर ट्रैवल प्लस व्लॉग हमारे चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन है उसे दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशन, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए कि नया वीडियो आ गया। इसके बाद सभी वीडियो देखिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए और हर वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का टैब है उसे दबाकर सुपर थैंक्स खरीदिए, क्योंकि सुपर थैंक्स हमारे चैनल को डायरेक्ट सपोर्ट करता है। तो डायरेक्ट सपोर्ट करिए हमारे चैनल को और हमारे काम में प्रोत्साहन दीजिए। चलिए चलते हैं आगे, सवालों के लिए तैयार रहिएगा। नमो घाट से शेखर, आपका दोस्त। अब हम आपको बैक कैमरे से दिखा रहे हैं नमो घाट में जाते हुए। देखिए यहाँ पर है फूड प्लाजा, ये बाहर है, घाट के बाहर है। अच्छी अच्छी दुकानें हैं, चाइनीज़, इंडियन, कॉन्टिनेंटल। और ये सामने जो पुल दिख रहा है पीछे सड़क के नीचे जाती हुई सड़क के सामने, ये है राजघाट का पुल, मालवीय पुल। और ये देखिए कुछ इंस्टॉलेशंस हैं यहाँ जो बने हुए हैं स्टील से। और इधर है आपका ये गेट नमो घाट का, और दाहिने तरफ देखिए गेल सीएनजी आपको दिख रहा है बोर्ड। तो ये सीएनजी की यहाँ पे, ये तो गाड़ियों के लिए है, देखिए कार और ऑटो यहाँ भरा रहे हैं सीएनजी। और पीछे देखिए जेटी है, वो नावों के लिए। बनारस में ये डिसाइड किया गया कि सभी नावें जो हैं वो सीएनजी से चलें, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इस बाबत यहाँ सीएनजी जेटी, नावों को सीएनजी भराने के लिए दिक्कत ना हो, ये बनाई गई है। ये नमो घाट का प्रारंभ है, यहाँ देखिए गेट है, एंट्री गेट, लोग जा रहे हैं और निकल भी रहे हैं। जो जल्दी आ गए वो अपना कार्य, योग, टहलना, ध्यान जो भी है वो समाप्त करके जा रहे हैं, और जो लोग अभी देर में उठे वो अभी आ रहे हैं। तो हमको भी देर वाला ही मान लीजिए आप, क्योंकि हम अभी घुसे हैं जबकि सूर्योदय हो चुका है। पीछे देखिए सूर्य भगवान दिख रहे हैं। और इधर जो है घाट के अंदर का ये फूड कोर्ट है, यहाँ देखिए छतरियाँ जो हैं अभी बंद की हुई हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, अभी ग्राहक आए नहीं हैं। ग्राहक आते आते 12-1 तो बजी जाता है, लोग तैयार होकर घूमने के लिए आते हैं और फिर शाम तक यहाँ रहते हैं, जनरली ये रूटीन रहता है। पीछे देखिए राजघाट का पुल है। और इधर है एक टाइमलाइन इंस्टॉलेशन, ये जो चौकोर सा स्लेटी रंग में दिख रहा है इसको हम सामने से दिखाएंगे। और सामने देखिए हाथ दिखने शुरू हो गए। तो इन हाथों के बारे में आपको बता दें, ये नमो घाट नाम इसीलिए पड़ा है, इस घाट का पुराना नाम था खिड़किया घाट, तो खिड़किया घाट का नया नाम जो है नमो घाट। नमो इसलिए, देखिए बड़ा अच्छा यहाँ पे व्यू मिल रहा है कि ये नमस्कार की मुद्रा में जुड़ा हुआ हाथ है और सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहा है, इसीलिए इस घाट का नाम है नमो घाट। तो आप जान गए कि नमो घाट क्यों कहलाता है, क्योंकि सूर्य को जुड़ा हुआ हाथ नमस्कार कर रहा है। अभी हम घाट पर पहुँच गए हैं, तो रस्सी बंधी है क्योंकि बाढ़ पीछे आई थी, इसलिए नीचे जाने से मना किया गया है। ये रस्सी बंधी हुई है, यहाँ पे रस्सी है और नीचे जाना अभी मना है फिलहाल, जो हाथ जुड़े हैं वहाँ तक जाना संभव नहीं हो पाएगा, रस्सी से रोका गया है। और हम आपको दिखाते हैं, ऊपर से ही सब दिख जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पूरा कवरेज मिलेगा नमो घाट का। देखिए ये फूड प्लाजा में हम आ गए, और टाइमलाइन इंस्टॉलेशन भी आपको दिखा दें जो हम कह रहे थे। तो टाइमलाइन इंस्टॉलेशन जो है ये सामने से अब हम दिखा रहे हैं, इसमें क्या क्या है ध्यान दीजिएगा।
लेफ्ट से शुरू होगा, तो पहले दिया है काशी विश्वनाथ मंदिर। देखिए यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर, ये इसके बाद है सारनाथ, फिर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और फिर एक बनारस का मैप है, पूरा काशी का मैप, क्या क्या कहाँ है, फिर राजघाट, जहाँ पे हम खड़े हैं नमोघाट इसके बगल में है राजघाट, फिर रामनगर। रामनगर गंगा के उस पार है, गंगा नदी आपको दिखा दें, ये माँ गंगा और उस पार है रामनगर। तो अगला जो है रामनगर है टाइमलाइन इंस्टॉलेशन में, और फिर है पंचक्रोशी यात्रा का विवरण। तो ये आपका है टाइमलाइन इंस्टॉलेशन, इसको ज़रूर देखिएगा, अच्छी जानकारी है इसमें। और इसके सामने है माँ गंगा, राजघाट का पुल। तो नीचे देखिए मिट्टी जमी है, सिल्ट जो ऊपर से गंगा के साथ बह के आती है मिट्टी, वो नीचे जमा है, ये सब पूरी मिट्टी नीचे जमा हो गई है। और ये जो है यहाँ का ओपन एयर ऑडिटोरियम है, ये देखिए गमले रखे हैं, और देखिए आप सीढ़ियों के शेप में ये नीचे उतरते हुए, ये जो है ये ऑडिटोरियम, ऐसे ये गैलरी है दर्शक दीर्घा बैठने के लिए। और ये सामने जो गोल वाला जहाँ मिट्टी जमी है वो है स्टेज, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हमारे चैनल पर भी एक वीडियो है नमोघाट फैशन शो का, तो उसमें रणवीर सिंह और कृति सेनन आए थे, इसी स्टेज पे उन्होंने फैशन शो किया था, और बहुत सारे मॉडल और थे उनके साथ। और ये देखिए फिर यहाँ से सीढ़ियाँ, ये गैलरी है दर्शकों के बैठने के लिए, ये वीआईपी लोग स्टेज के पास सोफे लगा दिए जाते हैं वहाँ बैठते हैं। और गंगा के बैकड्रॉप में ये स्टेज बनाया गया है, इधर सूर्य भगवान सुबह के सुबह, और ये देखिए कितने सुंदर पौधे लगाए गए, क्रोटन के हैं ये, और ये फूल के हैं। तो इस घाट के रख रखाव में बहुत ध्यान दिया जाता है, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस घाट है बनारस का, नया घाट। पहले बनारस में 84 घाट होते थे, अभी 100 के ऊपर हो गए, नए नए घाट कई सारे बन गए। नमो घाट एक हो गया, जिसका पूर्व नाम था खिड़किया घाट, और उसके बाद जो है सामने घाट और संत रविदास घाट, यहाँ से क्रूज चलते हैं। आपको बता दें यहाँ से बहुत सारे क्रूज चलते हैं, जिससे आप गंगा भ्रमण कर सकते हैं, और ये क्रूज चलते हैं संत रविदास घाट से, जिसमें आपका स्वामी विवेकानंद क्रूज है, और सैम मानेकशॉ क्रूज है, भागीरथी क्रूज है, और पुराना सबसे क्रूज है अलकनंदा, जिसमें मोदी जी ने भी क्रूज किया था, तो अलकनंदा है। और बड़े जहाज़ों में तो स्वामी विवेकानंद और सैम मानेकशॉ, ये दोनों हैं। और देखिए ये नमस्ते की मुद्रा में जुड़े हुए हाथ जो कर रहे हैं सूर्य भगवान को नमस्कार, ये बड़े वाले दोनों हाथ हैं 25 फीट ऊंचे, छोटा वाला है 15 फीट ऊंचा, और इधर एक नया बना है 75 फीट ऊंचा हाथ, ये है। नीचे जाना मना है क्योंकि सिल्ट जमा है, ये है। अभी आपको बता दें कि जमैका के जो हेड ऑफ स्टेट थे एंड्रयू होलनेस, वो अभी यहाँ आए थे 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने बनारस में सबसे पहले हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सारनाथ का भ्रमण किया, और उससे अभिभूत हुए, वहाँ के उत्खनन की जो रिलिक्स हैं और जो अवशेष हैं, शिलालेख हैं, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि बड़ा ही होली और रिलीजियस प्लेस है, बड़ी खुशी हुई। तो अब हमारा पहला सवाल आता है आपसे कि नमोघाट का पुराना नाम क्या था, बताइए, ये पहला सवाल है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, इधर देखिए गोवर्धनधारी मंदिर है, वहाँ पर योगा होता है, सिखाया जाता है, ये देखिए योगा सीखने वाले लोग हैं, इनका एक ग्रुप है पूरा, अंदर योगा चल भी रहा है। और ये गेट है घुसने वाला, यहाँ बड़े अच्छे फूल, देखिए गेट के ऊपर कितने सुंदर फूल, लता जो है फूल की लगी हुई। और पीछे देखिए एक चीज़ और दिखा दें, लाल खान का रौजा का एक जो है गुंबद दिखाई दे रहा है। लाल खान जो थे काशी नरेश के सेनापति थे, उनका यहाँ मकबरा बनाया गया। तो ये आगे चलते हैं, और इस दरमियान दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं कि अभी किस देश के प्रधानमंत्री नमोघाट आए, और उनका नाम बताइए। तो ये है आज का दूसरा सवाल। और इसके बाद देखिए 75 फीट के हाथ के सामने आप पहुँच गए, यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है वो फ़ोटो इत्यादि खींच रहे हैं, इनको बिना डिस्टर्ब किए हम आगे जाते हैं, और यहाँ से आपको दिखाते हैं 75 फीट ऊंचा ये हाथ, ये अब हम आगे चल पड़े नमो घाट पे। और ये 75 फीट का हाथ जो है स्कल्पचर, जो सूर्य भगवान को नमस्ते करते हुए, ये हमारे
दाहिने आ गया, इधर है, और पीछे राजघाट का पुल है बैकग्राउंड में, माँ गंगा भी है इधर बैकग्राउंड में, और इधर से सूर्य भगवान बैकग्राउंड में, और ये विशाल वृक्ष है पीपल का। और देखिए यहाँ पे जो हनुमान जी हैं, इनका नाम है श्री हठीले हनुमान। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कई सवाल पूछे जाने हैं। श्री हठीले हनुमान जी का मंदिर, और इधर जो है सूर्य और माँ गंगा, और इधर लोग टहलते भी हैं, योगा करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। और क्रीड़ा के नाम पे याद आया कि आगे जो दिख रहा है वो जल क्रीड़ा केंद्र है, आगे एक भवन आपको दिख रहा होगा, थोड़ी दूर पे है, अभी हम दिखाएंगे आपको इंगित करके। तो जल क्रीड़ा केंद्र में वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं धीरे धीरे शुरू होंगी, अभी तो नहीं ज़्यादा शुरू हुई हैं लेकिन आने वाली हैं। ये दुनिया के अनोखे घाटों में से एक रहेगा, स्मार्ट घाट, इंडिया का ओनली स्मार्ट घाट, और विश्व के कुछ चुनिंदा स्मार्ट और अनोखे घाटों में से एक। और यहाँ क्या है कि जैसे गंगा में लोग पूजा सामग्री डाल के प्रदूषित करते हैं, तो उसके लिए एक अलग से कुंड यहाँ बना दिया गया है, इसमें डालिए जो भी पूजा सामग्री है, यह है वो कुंड। यहाँ कुछ लोग जो है देख रहे हैं इसको बड़े ध्यान से, ये देखिए ये कुंड जो है इसमें पूजा सामग्री डाली जा सकती है। तो अब गंगा में आप ना डालें पूजा सामग्री, प्रदूषित ना करें, यहाँ पर डालिए इस कुंड में। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का हाल। दोस्तों जल क्रीड़ा केंद्र के और आगे आके पहले हमने कहा आपको दिखा दें और जल क्रीड़ा केंद्र पर वापस जाके वीडियो को समाप्त करेंगे। तो जल क्रीड़ा केंद्र के आगे बहुउद्देशीय क्षेत्र मल्टीपर्पज एरिया, और यहाँ पर ही बने हैं 3 हेलीपैड, 2 हैं परमानेंट और 1 है टेम्परेरी। तो 3 हेलीकॉप्टर उतरने का यहाँ प्रोविज़न बनाया गया है। अभी हेलीकॉप्टर सर्विस चालू नहीं हुई है लेकिन आने वाले दिनों में चालू होगी, और उससे आप देख सकेंगे काशी का एरियल व्यू, हवा से आसमान से काशी का दर्शन, काशी दर्शन हवा से। तो ये देखिए हेलीपैड है, आगे देखिए एक देख रहे हैं आप, वहाँ गोल सा बना है, उसमें H का मार्क बनाया जाएगा जिस पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं। फिर ये दूसरा परमानेंट है, उसमें भी H का मार्क अभी बना नहीं है, बनेगा। और इधर एक तीसरा टेम्परेरी रहेगा, और यह है सामने जल क्रीड़ा केंद्र। यहाँ चल के हम आपको दिखाएंगे और शनय शनय वीडियो को समाप्त करेंगे, और तीसरा सवाल उसके पहले आपसे पूछेंगे। तैयार रहिएगा, प्राइज़ मिलने वाला है 3 सवालों का सही जवाब देने पर। दोस्तों अब हम नमोघाट के आज के वीडियो के अंतिम भाग में पहुंच गए। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, और हमारा नमोघाट का आज का वीडियो समाप्त हुआ। तो हम इस समाप्त कर रहे हैं जल क्रीड़ा केंद्र पर, नमोघाट का जो है, देखिए पीछे बना हुआ जल क्रीड़ा केंद्र पूरा, बहुत ही भव्य स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा हमने तो ये कहीं देखा नहीं। हम बहुत देश विदेश घूमे हैं, काफ़ी करीब 25 कंट्री हो आए हैं, लेकिन ऐसा विशाल जल क्रीड़ा केंद्र हमने नहीं देखा। देखिए कितना इसका फैलाव, देखिए पीछे हमारे अभी आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के पूरा, ये देखिए कहाँ तक फैला हुआ, ये पूरा जल क्रीड़ा केंद्र है, यहाँ तक ये इसका, यहाँ बल्कि ये जो है लास्ट है, तो विशाल है ये। और पीछे देखिए एक जेटी बनी हुई है, जेटी में जाकर आप जो जल क्रीड़ा के साधन हैं, जैसे कि पैरासेलिंग है, मान लीजिए पैराशूट से उड़ना, वो कर सकते हैं। वहाँ से ही वो मोटर बोट आपको खींच के ले जाएगी, हवा में उड़ाएगी, फिर लौटा देगी। तो ये है जल क्रीड़ा केंद्र दोस्तों। तो अब समय आ गया है, दिल थाम के बैठिए आज के तीसरे और अंतिम सवाल का। हमने आपको दिखाया रास्ते में आते टाइम, तो उसी पर एक सवाल पूछेंगे अगर आपने ध्यान दिया है। नमोघाट पर नमः, जो नमः या नमस्कार की मुद्रा के हाथ हैं, कुल कितने जोड़ी हाथ हैं ये बताइए, और जो सबसे ऊंचा नमस्ते की मुद्रा का हाथ है उसकी ऊंचाई बताइए। तो ये सवाल आपका है, अंतिम तीसरा सवाल आज का, कि नमोघाट पर नमस्ते की मुद्रा में कितने हाथ बने हुए हैं, और जो सबसे ऊंचा नमस्ते की मुद्रा का हाथ है उसकी ऊंचाई बताएं। सही जवाब देने वालों को तीनों सवालों के, जो तीनों सवाल का सही जवाब दे देंगे तो एक आकर्षक पुरस्कार आपका इंतज़ार कर रहा है। हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें सवाल का जवाब लिखते हुए अपना पता
और मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर भेजिए, हम उस पर आपको देंगे आकर्षक पुरस्कार। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, एक बार पुनः अनुरोध के साथ कि हमारे चैनल शेखर ट्रैवलर्स व्लॉग को सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया तो, और सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन है उसे दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, जिससे वीडियो अनुरोध आपको सूचना मिल जाए कि नया वीडियो आ गया है। सभी वीडियो देखिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए। शेयर करने के लिए व्हाट्सएप मैसेंजर ईमेल स्नैपचैट और भी जो साधन आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनका इस्तेमाल करिए। वीडियो शेयर करिए बड़े वर्ग के साथ, उनको जानकारी मिले बनारस की इस वीडियो की। और हमारे हर वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का टैब है, उसे दबाइए और सुपर थैंक्स खरीदिए अपने इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि सुपर थैंक्स हमारे चैनल को डायरेक्ट सपोर्ट करता है, तो हमारे चैनल को डायरेक्ट सपोर्ट कर दी। इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि शीघ्र ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वापस स्टूडियोज़, आपको नमस्ते, आपका दिन शुभ हो, हर हर महादेव।